ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं राजकोट की, जहां प्रधानमंत्री अपने गुजरात दौरे पर हैं। फिलहाल रोड शो की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा यहां की जा रही है। सड़क के दोनों छोर पर जो लोग हैं वो उन्हें देखने के लिए बेताब, और ख़ासतौर से जैसा कि अगर बात की जाए राजकोट की, प्रधानमंत्री कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने पूरे जो क्षेत्र है उसको बदलते देखा है, बदलाव की पुरजोर कोशिश की है। और काफ़ी यहाँ पर आत्मीयता जो है उसको देख सकते हैं प्रधानमंत्री। फिलहाल लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सड़क के दोनों छोर पर जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए पुष्प वर्षा उन पर की गई। और हमारे संवाददाता धीरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजकोट से। धीरज, जानना चाहेंगे तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरीके से भव्य स्वागत जो है पुष्प वर्षा के जरिए किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो के दौरान। बिल्कुल आपने सही कहा, प्रधानमंत्री का यहाँ इससे पहले ही काफी संख्या में यहाँ पे लोग उनके एक दर्शन को उपस्थित थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जब यहाँ आगमन हो रहा है तो दोनों तरफ से जो काफी संख्या में दोनों तरफ से जो आम जनता है वो किस तरीके से मौजूद है जी। और ये बाहर दोनों तरफ से रोड के दोनों किनारों से खड़ी है, जो खड़े हैं, जहाँ की प्रधानमंत्री का जो काफिला धीरे धीरे राजकोट जो का जो मंच है उसकी तरफ आगे बढ़ता जा रहा है जी। और दोनों तरफ से जो आम जो जनता है, आम जनता की तरफ से जो फूलों की बारिश हो रही है, और किस तरीके से जनता एक तरीके से ललायत है प्रधानमंत्री के दर्शन के लिए जी। और अब से थोड़ी ही देर के बाद, लगभग 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री जबकि राजकोट के इस मंच तक पहुंचेंगे। और मंच के भीतर भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा का जो पंडाल है वो प्रधानमंत्री के दर्शन के लिए भरा हुआ है। और जी। यहाँ जबकि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो 48,000 करोड़ रुपए की जो परियोजना जो उसका जो लोकार्पण जो राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री जी, और कुछ बड़े योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। और जिस तरीके से आज जो पूरा जो राजकोट शहर प्रधानमंत्री के आगमन के लिए से उत्साहित है, मैं आपको बताऊं कि आगमन से पहले की जो खुशी है लोगों में उस खुशी को इस बात से समझा जा सकता है कि जो राजकोट शहर है, राजकोट शहर को जी गुजरात का पहला आयाम से मिला है। और खास करके जो सौराष्ट्र का जो इलाका है राजकोट, इसके बारे में कहा जाता है कि ये इलाका इसमें पानी की काफी कमी नहीं है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यहाँ के लोगों की चुनौती को समझा है, यहाँ के लोगों की जो समस्या का समाधान किया है, उस जो समाधान का नतीजा है कि आज पूरा राजकोट जो शहर उमड़ पड़ा है प्रधानमंत्री के दर्शन को। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जो फूलों की बारिश हो रही है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है जी, और काफी संख्या में दोनों तरफ से युवा महिलाएं जो स्थानीय लोग बाहर निकले हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में। और ये जो एम्स की बात हो रही है, और एम्स के अलावा भी इस शहर को लगभग 800 बेड का जो एक अस्पताल मिला है वो महिलाओं के लिए मिला है जी। तो यहाँ के जो पुरुष युवा के अलावा यहाँ के जो महिलाएं जिन्हें के इलाज के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था, राजकोट शहर को छोड़कर दिल्ली जाना पड़ता था या दूसरे राज्य के एम्स में जाना पड़ता था, आज उनके लिए खुशी का पल है, आज उनके लिए खुशी का लहर है जी। आज उन्हें जो उनका एम्स मिला है और उनको उनका हॉस्पिटल मिला है, और जिसकी वानगी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरा का पूरा राजकोट शहर उमड़ रहा है प्रधानमंत्री के दर्शन के लिए, प्रधानमंत्री के आगमन के लिए जी। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जब यहाँ आ रहे हैं तो चाहे रिन्यूएबल एनर्जी की बात हम हो, आपको अगर हम बात कर लें जो रेलवे की बात हो, रेलवे के क्षेत्र में भी आज कई योजनाएं जो राजकोट शहर को मिलने के लिए जा रहा है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी राजकोट
शहर को मिलने जा रहा है और प्रधानमंत्री यहाँ जो आएंगे राज्य बीमा निगम का जो कार्यक्रम है राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी घोषणा आज प्रधानमंत्री के हाथों से होगा। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा जो शहर है पूरा का पूरा शहर आज खुशी के माहौल में जी रहा है। आज गुजरात शहर के गुजरात के राजकोट शहर को प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बहुत कुछ देने वाले हैं और बिल्कुल इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्प वर्षा उन पर हो रही है और अब से कुछ देर बाद ये सीधी तस्वीरें हैं वो यहाँ लोगों को संबोधित भी करेंगे और एक अलग ही ऊर्जा का संचार वहाँ नजर आता है जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री पहुँचते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नो शुभागमन थई चुक्यु छे। आवो आपणे सौ भारत माताना जयकारा साथे तेमना शुभागमन ने वधावीए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अगले 25 साल का लक्ष्य है हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले और ये मोदी की गारंटी है। विश्व के पटल पर अब अपना सम्मान है, आसमां से ऊंची अब अपनी उड़ान है। देख रही है आज दुनिया ये सारी, आज चंद्रमा पे हमारा चंद्रयान है। मोदी के मन की बात जानता है, देश का युवा आज मानता है। मोदी के मन की बात जानता है, देश का युवा आज मानता है। फूट फूट के देश की भक्ति भरी है इनके सीने में, कोई कसर ना छोड़ेंगे देश के लिए जीने में। ये गारंटी पूरा होने की गारंटी है। बातें नहीं है, है ये एक वादा, भारत को नया भारत बनाने का इरादा। अब देश की यारो उन्नति ही उन्नति है। देश नहीं केवल ये है अपना परिवार, परिवार का मुखिया भी करता है हमसे प्यार। नारी की शक्ति किसान का उद्धार, रोजगार पा रहा है जल दिया, गैस चूल्हा घर घर में आया, कच्चे मकानों को पक्का बनाया। तीसरे क्रम में दुनिया की पहली तीन इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। ऋतु बदली है जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा हो, जैसे भारत की अब नई पहचान है, चारों दिशा होता नव निर्माण है। युवा में वायु सी रफ्तार है, कौशल उत्साह की भरमार है, स्किल इंडिया इसका विस्तार है, समृद्धि सबका अधिकार है, जन धन से जन जन तैयार है, मुद्रा से बढ़ता व्यापार
है, अपनी पहचान है, अपना आधार है, भ्रष्टाचार अब निराधार है, हिंद के शत्रु की अब हार है, हो रहा न्याय है, बढ़ रहा जोश है, हुनर अपार है, इंडिया का शेर अब कर दहार है, स्वाभिमान से हम चल जो पड़े हैं, हर बाधा छोटी और हौसले बड़े हैं, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है, रुकना थमना अब ना विकल्प है, जो था थी अब दिखता अल्प है, कल्प वृक्ष ये बढ़ रहा है, ऐसे सागर चांद को देख पड़े, जैसे दुनिया के नक्शे में उभर रहा है, बुझला आंखों से जो दिखता है, जन जन का मनोबल बढ़ा है, स्टार्टअप इंडिया की लहर चली है, सूरज से ऊर्जा निकली है, रोशन करती स्वच्छ है देश और नीयत साफ है, गांव शहर सब जुड़ रहे हैं, जैसे एक साथ हो इच्छा शक्ति है, प्रबल है देश की रग में, जैसे नया बल है, हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है, हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं, और ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, छोटे नहीं रहे सपने हैं अब बड़े, ठहरना अब नहीं हम ऐसे चल पड़े, विश्व के पटल पर अब अपना सम्मान है, आसमां से ऊंची अब अपनी उड़ान है, देख रही है आज दुनिया ये सारी, आज चंद्रमा पे हमारा चंद्रयान है, मोदी के मन की बात जानता है, देश का युवा आज मानता है, मोदी के मन की बात जानता है, देश का युवा आज मानता है, फूट फूट के देश की भक्ति भरी है इनके सीने में, कोई कसर ना छोड़ेंगे देश के लिए जीने में, ये गारंटी पूरा होने की गारंटी है, बातें नहीं है, है ये एक वादा, भारत को नया भारत बनाने का इरादा, अब देश की यार उन्नति ही उन्नति है, ये देश नहीं केवल ये है अपना परिवार, परिवार का मुखिया भी करता है हमसे प्यार, नारी की शक्ति किसान का उद्धार, रोजगार पा रहा है हर नौजवान, जल दिया गैस चूल्हा घर घर में आया, कच्चे मकानों को पक्का बनाया, वोट दिया ये विजय तुम्हारी अपनी है, तीसरे टर्म में दुनिया की पहली तीन इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा, अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। मोदी सरकार की गेरंटी एटले सुविधापूर्ण जीवन की गेरंटी, नारी ना गौरव अने सम्मान की गेरंटी, सौना माटे उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं की गेरंटी, सौने समान अवसर की गेरंटी। आपना आंगणे आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री रूपया 48,000 करोड़ थी वधुना विकास कार्यों की भेट लईने आव्या छे, त्यारे आपनो आ उत्साह ए स्वाभाविक छे। आपणे सौ उमळका भेर स्वागत करीशु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नो आ मंच पर, टूंक ज समय में तेओ पधारवाना छे। राजकोट साथे तो तेमनो बहु जूनो नातो रह्यो छे,
आपने बधाने याद ज हशे के तेमनी पहली चूंटणी तेओ राजकोट थी जीत्या हता अने त्यार थी आजे विकासनी अविरत यात्रा शुरू थई राजकोट थी गुजरात गुजरात थी भारत अने हवे तो आखा विश्वना सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बनी चुक्या छे एवा यशस्वी ओजस्वी तेजस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी नो राजकोट खाते समग्र सौराष्ट्रनी सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक चेतनानु केन्द्र जेने आर्थिक राजधानी कही शकाय एवुं आपणुं आ राजकोट अने एवा राजकोटमां ज्यारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री पधारवाना होय आधुनिक भारत नूतन भारत आत्मनिर्भर भारत सशक्त भारत समृद्ध भारत युवा भारत टेक्नोलॉजी अने वैज्ञानिक दृष्टिकोणथी आगळ वधतुं भारत एवा नूतन भारतना निर्माता आपणी वच्चे आवी रह्या छे। આજે રાજકોટને એમ્સની ભેટ મળી છે, સાથે રાજકોટ સિવિલનો અત્યાધુનિક એમસીએચ બ્લોક કે જે માતા અને શિશુની વિશેષ સંભાળ લેવામાં ખૂબ મહત્વનો સાબિત થશે। આવી ઐતિહાસિક ભેટો લઈને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપણી વચ્ચે હવે થોડીક ક્ષણોમાં પધારશે। મંચ ઉપર સ્વાગત કરીએ છીએ સૌ માનવંતા મહાનુભાવોનું, માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મંત્રીગણ તેમજ ઉપસ્થિત સૌ કોઈનું અમે આદરપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ। સમૃદ્ધિ સભર સોગાતો લઈને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપણી વચ્ચે આવ્યા છે। ભાવનગર નેશનલ હાઈવેનું ફોર લેનિંગ, રાજકોટ સુરેન્દ્રનગર વચ્ચે રેલવે લાઇનનું ઇલેક્ટ્રિફિકેશન અને ડબલિંગ, ઉર્જા ક્ષેત્રે પણ આજે ગુજરાતને ખૂબ મોટી ભેટ મળશે। માર્ગ અને મકાન વિભાગ, પાણી પુરવઠા વિભાગ, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય, પોર્ટ શિપિંગ જળમાર્ગ, ઉર્જા વિભાગ સહિત અનેક વિભાગોની ખૂબ મોટી ભેટ આપવા માટે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે। વિરાસત અને વિજ્ઞાન બંનેનો સન્માન કરનારા, સંસ્કૃતિ અને સગવડ બંનેનું ધ્યાન રાખનારા, જનજનની જરૂરિયાતોને સમજનારા અને સૌને સુખ સગવડ સમૃદ્ધિ ભર્યું જીવન આપવા કટિબદ્ધ, રાષ્ટ્ર પ્રથમ સદૈવ પ્રથમ આ મંત્રને સાચા અર્થમાં ચરિતાર્થ કરનારા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપણી વચ્ચે અહીંયા પધારવાના છે। રાજકોટ એઇમ્સની સાથે સાથે ઉત્તર પ્રદેશમાં રાયબરેલી એઇમ્સ, આંધ્રપ્રદેશમાં મંગલાગીરી એઇમ્સ, પંજાબમાં ભટિંડા એઇમ્સ, પશ્ચિમ બંગાળમાં કલ્યાણી એઇમ્સ, આ મહત્વાકાંક્ષી પ્રકલ્પો પણ આજે સાકાર થવાના છે અને આપણી સાથે આ બધા જ રાજ્યોમાંથી પણ ત્યાંના લોકો લાઈવ જોડાયા છે। આજ કે ઇસ કાર્યક્રમ મેં જુડે હુએ સભી દેશવાસીઓ કા ભી હમ ઇસ અવસર પર બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ। કુછ હી પલ મેં હમારે બીચ પધારેંગે देश के ऊर्जावान यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। गुजरात मारो आत्मा छे अने भारत मारो परमात्मा छे एवं हमेशा थी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री कहता आव्या छे अने गुजरात माटेनो जे विशेष लगाव होय जे लागणी होय एनो ज आ परिणाम छे के आपणो गुजरात આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં અને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણાથી સતત આગળ વધતું રહ્યું છે। આપણી વચ્ચે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું શુભાગમન થઈ ચૂક્યું છે, આપનું સ્વાગત। રાજકોટને એરપોર્ટ, રાજકોટને એઇમ્સ અને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રવાસીઓ માટે અનેકવિધ વિકાસ કામોની ભેટ આપવા માટે અવારનવાર ઉત્સુક અને સતત ચિંતનશીલ એવા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ દેશના પ્રત્યેક નાગરિકની જરૂરિયાતોને બખૂબી સમજી છે અને સમસ્યાથી સમાધાન સુધીનો
વિકાસનો સફરનામું ખેડ્યું છે અને એનો જ આ પરિણામ છે કે આજે આપણે જે ભારત જોઈ રહ્યા છીએ કે જેનું સમગ્ર વિશ્વમાં બહુમાન છે, આજે સમગ્ર વિશ્વ ભારત પ્રત્યે સન્માનની નજરે જોતું થયું છે, એવા ભારતનો વિકાસનો રોલ મોડેલ એટલે આપણું ગુજરાત. અને આ વિકાસના મોડેલને બનાવ્યું છે આપણા સૌના લોક લાડીલા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને હવે દેશના આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. વર્ષો જૂની રાજકોટની પાણીની સમસ્યાના સમાધાનથી શરૂ કરીને હવે તો ઘર ઘર સુધી નળથી જળ પહોંચ્યું છે. આયુષ્યમાન ભારતરૂપી સૌથી મોટું આરોગ્ય કવચ પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના જાણે સૌ કોઈ કહી રહ્યા છે. ભારત આયુષ્યમાન ભારત, સર્વે ત્રસ સુખીના સંતુ સર્વે સંતુ નિરામયાની સંકલ્પનાને ચરિતાર્થ કરનાર સ્વાસ્થ્ય સેવાઓનો વિસ્તાર હોય, અત્યાધુનિક એઇમ્સની ભેટ હોય, વેલનેસ સેન્ટર્સ હોય, માતા અને શિશુ માટે ખાસ અલાયદી સગવડ, અત્યાર સુધી આપણા સૌરાષ્ટ્રવાસીઓને મોટી ગંભીર બીમારી થાય તો એમને છેક અમદાવાદ સુધી દોડવું પડતું હતું, પરંતુ હવે સૌરાષ્ટ્રવાસીઓની સ્વાસ્થ્ય સુખાકારી માટે રાજકોટમાં એઇમ્સ તૈનાત છે. આપણી વચ્ચે આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું શુભાગમન થઈ રહ્યું છે. આવો જોરદાર તાળીઓના હર્ષનાદ સાથે આવકારીએ મા ભારતીનો, જયઘોષ કરીએ ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, વિકસિત ભારતના સ્વપ્ન શિલ્પી અને વિશ્વ બંધુત્વના પ્રહરી એવા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું તાળીઓના ગડગડાટથી સ્વાગત કરીએ. સાથે જ સ્વાગત છે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું, ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ શ્રી સી આર પાટીલનું, ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકારના માનવંતા મંત્રીશ્રીઓનું, મંચ પર ઉપસ્થિત સૌ મહાનુભાવોનું અને આટલી મોટી સંખ્યામાં અહીંયા ઉપસ્થિત આપ સૌનો પણ અમે સહર્ષ સ્વાગત કરીએ છીએ. નમસ્કાર. સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રની આર્થિક સામાજિક રાજધાની એવા રાજકોટમાં એઇમ્સ સહિત દેશની અન્ય એઇમ્સ અને ગુજરાતના પ્રજાજનોને કુલ રૂપિયા 48,000 કરોડના વિકાસ કાર્યોની ભેટ આપવા માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રી આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે, ત્યારે આવો તેમનું વિધિવત રીતે સ્વાગત કરીએ. સૌપ્રથમ વિનંતી કરીએ છીએ ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ શ્રી સી આર પાટીલને કે આપ બંને સંયુક્ત રીતે આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરશો. આપણા જસદણના કારીગરો દ્વારા નિર્મિત પારંપરિક પટારી કામ દ્વારા એઇમ્સની આ પ્રતિકૃતિ તૈયાર કરવામાં આવી છે. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરીએ આપણે. અને હવે પેન અને ચારકોલથી કેનવાસ ઉપર બનાવેલી એઇમ્સની છબી અર્પણ કરશે માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી ડોક્ટર મનસુખભાઈ માંડવિયા, માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મહેન્દ્રભાઈ મુંજપરા, કર્ણાટકના માનનીય પૂર્વ રાજ્યપાલ શ્રી વજુભાઈ વાળા, માનનીય પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને સૌ મંત્રીશ્રીઓ શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા, શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરિયા અને હવે સૌ માનવંતા સાંસદશ્રીઓને વિનંતી કરીએ છીએ કે આપ સૌ સાથે મળીને આધુનિક 3D પેઇન્ટિંગ ટેકનોલોજી એઇમ્સની રેપ્લિકા તૈયાર કરવામાં આવી છે. આપણું રાજકોટ એ મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષેત્રે પણ હબ છે, ત્યારે આ આધુનિક 3D પ્રિન્ટિંગ ટેકનોલોજી દ્વારા એઇમ્સની રેપ્લિકા માનનીય સાંસદ સર્વેશ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા, શ્રી મોહનભાઈ કુંડારિયા, શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા, શ્રી ભારતીબેન શિયાળ, શ્રી નારણભાઈ કાછડિયા, શ્રી રામભાઈ મોકરિયા અને શ્રી કેસરી દેવસિંહ ઝાલા. અને હવે આમંત્રિત કરીએ છીએ સૌ માનવંતા ધારાસભ્યશ્રીઓને, શ્રી દુર્લભજીભાઈ દેથરિયા, શ્રી ઉદયભાઈ કાનગઢ, ડોક્ટર દર્શિતાબેન શાહ, શ્રી રમેશભાઈ ટીલાળા, શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા, શ્રી જયેશભાઈ રાદડિયા, શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પાડલિયા અને શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ સોમાણી. રામ મંદિરની પ્રતિકૃતિ અર્પણ કરીને આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. અને હવે ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ મંત્રી શ્રીમતી બીનાબેન આચાર્ય, રાજકોટના મેયર માનનીય શ્રીમતી નયનાબેન પેઢડિયા, શહેર ભાજપની ટીમ
श्री प्रकाश भाई सोनी, प्रमुख श्री मुकेश भाई दोषी, श्री वीरेंद्र सिंह झाला, डॉक्टर माधव दवे और श्री अश्विन भाई मोलिया, मातृ और शिशु हॉस्पिटल नु पेंटिंग अने स्मृति चिन्ह अर्पण करीने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नु स्वागत करी रह्या छे। माता अने शिशुनी हवे विशेष काळजी आ हॉस्पिटल में लेवाशे, तेनो आधुनिकीकरण अने विस्तार थयो छे, त्यारे आ सुंदर स्मृति चिन्ह द्वारा स्वागत अने हवे पागड़ी शॉल अने स्मृति चिन्ह अर्पण करीने स्वागत करशे गुजरात प्रदेश भाजप उपप्रमुख श्री डॉक्टर भरतभाई बोगरा, जिला पंचायत राजकोट प्रमुख श्रीमती प्रवीणाबेन रंगाणी, जिला पंचायतना प्रमुख श्री अल्पेशभाई ढोलरिया अने तेमनी टीम, सर्वे श्री धवलभाई दवे, श्री नरेन्द्रसिंह जाडेजा, श्री हरेशभाई हेरबा, श्री रविभाई माकड़िया, स्नेह अने सन्मानना प्रतीकरूपी आ पाघड़ी खेस अपना गुजरातनी परंपरा बांधणी अने पाटणनुं पटोळुं अने आ स्मृति चिन्ह भेट अर्पण थई रह्या छे। आवो फरी एक वार आपणे सौ ताळीओना हर्षनादथी माननीय प्रधानमंत्रीश्रीने आवकारीए। खूब खूब आभार, धन्यवाद। આઝાદીના અમૃતકાળમાં આપણો ગુજરાત પ્રગતિના નીત નવા આયામો સર કરી રહ્યું છે। વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાતની વિભાવના સાકાર કરવા સતત કર્તવ્યરત એવા ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને સાદર આમંત્રિત કરીએ છીએ આપના સ્વાગત પ્રવચન માટે। राजकोट खाते राज्य सरकार द्वारा आयोजित एम्स हॉस्पिटल सहित रूपया 48,000 करोड़ वधुना विविध विकास कामों प्रकल्प खातमुहूर्त और लोकार्पण कार्यक्रम में अपनी सौनी साथ मंच पर उपस्थित कर्मठ नेतृत्व अने दृष्टिवंत ना धनी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी साहेब, प्रदेश ना यशस्वी अध्यक्ष तथा नवसारी ना लोकप्रिय सांसद श्री श्री आर पाटिल जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुखभाई मांडविया, डॉक्टर महेंद्रभाई मुचपरा, पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी, पूर्व राज्यपाल तथा वरिष्ठ आगेवान श्री वजूभाई वाला, मारा साथी मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल, कुंवरजीभाई बाबरिया, श्रीमती भानुबेन बाबरिया, सांसद श्री मोहनभाई कुंडारिया, श्री विनोदभाई चावड़ा, श्री राजेशभाई चुडासमा, डॉक्टर भारतीबेन सियार, श्री नारायणभाई काछड़िया, राज्यसभाना सांसद श्री रामभाई मोकरिया, श्री केसरी देवसिंह झाला, जिला पंचायतना प्रमुख श्रीमती प्रवीणाबेन रंगाणी, राजकोटना मेयर श्रीमती नयनाबेन पडेडिया, धारासभ्य श्री उदयभाई कानगर, डॉक्टर दर्शिताबेन शाह, जयेशभाई रादड़िया, श्री रमेशभाई टीलाड़ा, श्रीमती गीताबेन जाडेजा, डॉक्टर महेंद्रभाई पाडलिया, जीतूभाई सोमाणी, श्री दुर्लभजीभाई देथरिया, जुटायेला जनप्रतिनिधि, संगठनना पदाधिकारी, प्रेस मीडियाना मित्रों तथा विशाल संख्या में उपस्थित भाईओ बहनों सौ ने मारा नमस्कार। विश्व नेता अने जनप्रिय वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी नेतृत्व में सहुजन हिताय सहुजन सुखाय ध्येय थी कार्यरत सरकार की जनसेवा सुखाकारी प्रतिबद्धता की साक्षी आपता आज अवसरे आदरणीय वडाप्रधान श्रीनु स्नेहसभर स्वागत करू छू। वडाप्रधान श्रीए हेल्थ केर, रेल रोड कनेक्टिविटी, वीजी पाणी सहित इन्फ्रास्ट्रक्चर ने सुदृढ़ करी लोकोनु ईज ऑफ लिविंग वधारवानी गेरंटी आपी छे। मोदी साहेबे दरेक व्यक्तिनु जीवन स्तर सुधरे एवो संकल्प कर्यो छे। सर्वग्राही सर्वस्पर्शी विकास माटे आहार आरोग्य अने आवास जेवा क्षेत्रने पण अग्रता आपी छे। आजे देशना आरोग्य सेवा माळखामां वडाप्रधानशी अनेक महत्वपूर्ण भेट आपवाना छे। राजकोटथी एम्स एनो प्रारंभ करावा माटे हूँ आदरणीय मोदी साहेबनो खूब खूब आभार मानू छू। हेल्थ सेक्टर में देश में जे श्रेष्ठ होय
તે ગુજરાતમાં પણ હોય તેવા સંકલ્પ સાથે વડાપ્રધાનશ્રીએ રાજકોટને એઇમ્સ આપવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. સૌરાષ્ટ્રના મુખ્ય કેન્દ્ર સમાન રાજકોટમાં એઇમ્સ શરૂ થાય અને સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના લોકોને નજીકના સ્થળે ધનિષ્ઠ અને વર્લ્ડ ક્લાસ અદ્યતન સારવાર સુવિધા મળી રહે તેવી તેમની નેમ આજે સાકાર થઈ છે. 2020માં આદરણીય મોદી સાહેબે આ એઇમ્સનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું અને આજે તેમના જ વરદ હસ્તે લોકાર્પણ થવાનું છે. એટલું જ નહીં, રાજ્ય સરકારના વિભાગો દ્વારા સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારના આરોગ્યની સુખાકારીની સાથે પાણી, વીજળી, રોડ રસ્તા સુધારણા, કનેક્ટિવિટીના વિવિધ પ્રકલ્પોની ભેટ સાથે આજે સર્વાંગી વિકાસનો ઉત્સવ છે. સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારના પાણીની સમસ્યા આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના વિઝનથી સૌની યોજના દ્વારા નર્મદાના જળ સૌરાષ્ટ્રના 115 જળાશયોમાં પહોંચ્યા છે અને પાણીનો દુકાળ ભૂતકાળ બન્યો છે. છેક છેવાડાના ગ્રામીણ વિસ્તારો સુધી પૂરતું પાણી પહોંચાડીને હર ઘર જળની નેમ સાકાર થઈ છે. આજે સૌરાષ્ટ્રના 3 જિલ્લામાં 287 કરોડથી વિવિધ પાણી પુરવઠા યોજનાના ખાતમુહૂર્ત તેઓ કરવાના છે. પાણી સાથે ઉર્જા, વીજળી પણ સરળતાએ લોકોને મળે તે માટે 566 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ થયેલ વિવિધ સબસ્ટેશનના લોકાર્પણથી અવિરત અને ગુણવત્તાયુક્ત વીજળીનો પુરવઠો મળતો થશે. પહેલા ગામો, નગરો પાકા રસ્તાની સુવિધા માંગતા, હવે વિકાસ એવો વેગવંતો અને વિશાળ થયો છે કે 6 લેન 4 લેનની માંગ વધી છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ જનતા જનાર્દનની આવી વિકાસ આકાંક્ષાઓ સંતોષવાની ગેરંટી આપી છે. આજે સૌરાષ્ટ્રને 242 કરોડના માર્ગ વિકાસના કામો તેઓ આપવાના છે. વડાપ્રધાનશ્રીના સફળ પ્રયાસોથી કચ્છના ધોળાવીરાને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટમાં સ્થાન મળ્યું છે. આ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટના વિવિધ પ્રવાસન વિકાસના કરોડોના કામનો આજે પ્રારંભ થવાનો છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ ગુજરાતમાં આ અઠવાડિયે વિકાસ કામોની હેલી વરસાવી છે. હજુ 3 દિવસ પહેલા જ 57,000 કરોડથી વધુ રકમના વિકાસના કામો ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતને તેમણે ભેટ આપ્યા છે. આજે સવારે દ્વારકાધીશના ચરણોમાં પૂજા વંદન કરીને આજના આ વિકાસોત્સવનો પ્રારંભ તેમણે કર્યો અને 4100 કરોડના કામો દ્વારકા જામનગરને આપ્યા છે. હવે રાજકોટમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના મળીને 48,000 કરોડના કામોની સોગાત તેઓ આપવાના છે. માત્ર 4 જ દિવસમાં ગુજરાતની ધરતી પર અંદાજે 1,10,000 કરોડથી વધુના 300 ઉપરાંતના કામો રાજ્યના ઇતિહાસમાં પ્રથમ ઘટના હશે એમ હું માનું છું. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ વિકાસના દરેક કામોમાં સામાન્ય માનવી, ગરીબ, છેવાડાના અંત્યોદયના હિતોને કેન્દ્રમાં રાખીને ચાલનારા લોકનાયક છે. આપણે એવું સક્ષમ અને સમર્થ નેતૃત્વ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ રૂપે મળ્યું છે કે દેશના અમૃતકાળને કર્તવ્યકાળ બનાવી વિકસિત ભારતના નિર્માણ માટે સૌ કોઈ રાષ્ટ્રહિત સર્વોપરિના ભાવથી જોડાયા છે. વિકસિત ભારતના નિર્માણમાં વડાપ્રધાનશ્રીએ ગરીબ, યુવા, અન્નદાતા અને નારી શક્તિને મહત્વના પિલ્લર કહ્યા છે. આજનો આ વિકાસ ઉત્સવ એ ચારેય જાતિઓના સર્વાંગી વિકાસને નવી ગતિ આપશે. રાજકોટને એઇમ્સ તથા રાજ્યના અન્ય વિસ્તારમાં જે આરોગ્ય સેવા સુવિધાઓ સાકાર થવાની છે તેનાથી ગરીબ, વંચિત, જરૂરિયાતમંદો માટે આરોગ્ય સેવા સરળ અને સુલભ બનશે. હેલ્થ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો વધારો થવાથી મેડિકલની બેઠકો પણ વધશે અને યુવાનોને ઘર આંગણે જ મેડિકલ એજ્યુકેશન તથા ઉચ્ચ અભ્યાસ માટેની તક મળતી થશે. ઉર્જા વિભાગમાં જે સબસ્ટેશનો કાર્યરત થશે તે ગ્રામીણ ખેડૂતો, અન્નદાતા અને ગુણવત્તાયુક્ત કૃષિ વિષયક અને અન્ય વીજ પુરવઠો પહોંચાડી વધુ કૃષિ ઉપજની આર્થિક સમૃદ્ધ બનાવશે. પાણી પુરવઠાની યોજનાથી ગ્રામીણ નારી શક્તિને ઘર આંગણે સ્વચ્છ અને પૂરતું પાણી મળશે. મેટરનિટી અને ચાઇલ્ડ હોસ્પિટલ બાળકો તથા માતાઓ અને સઘન આરોગ્ય સેવાઓ પૂરી પાડવામાં ઉપયોગી થશે. આજે ગુજરાતને આંગણેથી વડાપ્રધાનશ્રીએ જે વિકાસ ભેટો આપવાના છે તેનાથી કેન્દ્ર અને રાજ્યોની ડબલ એન્જિન સરકારોને વિકસિત ભારતના 2047ના નિર્માણમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન આપવાની નવી દિશા અને પ્રેરણા મળશે.
गुजरात अने देश ने मळेली आरोग्य सुविधा सहित बहुविध विकास भेटो वडाप्रधान श्रीनी त्रीजी टर्म में वैश्विक विकास की सौ ने आरोग्य सुखाकारी मोदीजी की गेरंटी चौक्कस पार पाड़े एवो मने विश्वास है। पुनः आजना अवसरे आप पधारेला आप गणमान्य महानुभावों स्वागत करी वीरमू छु। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। खूब खूब आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री, आपना स्वागत संबोधन माटे। आज सुबह ही अपने मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, परमार्थ परमो धर्मः। इन शब्दों को वास्तविक रूप में चरितार्थ करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी आज राजकोट एम्स समेत देश की 5 एम्स का तथा गुजरात एवं भारत सरकार के नवीन प्रकल्पों का शुभारंभ करने यहां पर पधारे हैं। हम विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप रिमोट के माध्यम से इन प्रजा कल्याण के कार्यों का प्रारंभ करवाएं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में बीते 10 वर्षों का कालखंड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति का साक्षी बना है। मिला है सबको स्वास्थ्य का वरदान, जन जन हुआ है आयुष्मान। भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति के इस अमृत काल में 31 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने। बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 1.64 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित हुए। मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 से बढ़कर 706 हुई। स्नातक और पारा स्नातक की सीटों में 112% और 126% की वृद्धि हुई। जन औषधि जेनरिक दवा के इस्तेमाल से जरूरतमंदों के 28,000 करोड़ रुपए बचे और एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हुई। इस मजबूत होते हेल्थ इकोसिस्टम को और भी सुदृढ़ करने के लिए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राजकोट गुजरात से देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार 200 से अधिक स्वास्थ्य परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण 5 एम्स का राष्ट्र को समर्पण करेंगे। ये 5 एम्स राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलगिरी में स्थित हैं। 750 और 960 बेड की क्षमता वाले ये नए एम्स संस्थाएं अपनी उत्तम चिकित्सा व्यवस्था, हाईटेक मेडिकल उपकरण,
वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम के साथ अपने राज्य और आसपास के क्षेत्र के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी। इन सभी संस्थाओं के सुपर स्पेशलिटी विभाग, अत्याधुनिक मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर, आईपीडी तंत्र और आपातकालीन विभाग लोगों को विशेष चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे। आधुनिक चिकित्सा के साथ पारंपरिक चिकित्सा का लाभ आम जनों को मिले, इसीलिए इन परिसरों में आयुष ब्लॉक की भी स्थापना की गई है। साथ ही ई संजीवनी जैसी डिजिटल क्रांति द्वारा दूर दराज के क्षेत्र में बसे लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं देने की शुरुआत भी हुई है। साथ ही नई स्वास्थ्य परियोजनाओं के तहत बनने वाले विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक और एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं, NHM के अंतर्गत बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण, ICMR के अंतर्गत शोध यूनिट और खाद्य सुरक्षा के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के परिदृश्य को बदलेंगी। साथ ही PGIMER चंडीगढ़ के संगरूर और फिरोजपुर के सैटेलाइट सेंटर, जिपमेर पुडुचेरी के कराईकल में स्थित मेडिकल कॉलेज और जन्म में स्थित मल्टी स्पेशल यूनिट भारत के कोने कोने तक उन्नत चिकित्सा सेवाओं का आधार रखेंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र का ये आधुनिक कायाकल्प पूरा करेगा विकसित भारत का संकल्प। सागर तटे सुदर्शन धारी ने सोमनाथ नु साक्षी सौराष्ट्र, संत साहित्य संस्कृति ने समृद्धियो नु सरनाम सौराष्ट्र, सगवड़ो नी सुंदर सौगातो नु करशे सामयू सौराष्ट्र। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ना अमृत काल मा विकसित भारत ना संकल्प ने सार्थक करवा अग्रेसर छे गुजरात। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ना नेतृत्व मा गुजरात मजबूती थी आगर बधी रहू छे। भारत जारे विश्वनु त्रीजु सौथी मोटू अर्थतंत्र बनवा जाई रहू छे, त्यारे गुजरात ना पनोता पुत्र माननीय प्रधानमंत्री श्री आजे देश नी जनता ने अर्पण करी रहा छे रुपया 48,000 करोड़ थी वधु ना विकास कार्यों नी भेट। भारत सरकार द्वारा देशना नागरिकों ने आरोग्य क्षेत्रे प्राप्त थशे रुपया 11,400 करोड़ नी माळखाकीय सुविधाओ, तेमज रुपया 2,300 करोड़ ना खर्चे 9 राज्यों मा निर्मित 19 हॉस्पिटलों अने 2 मेडिकल कॉलेजों थी मळशे उत्कृष्ट आरोग्य लक्षी सेवाओ। आ उपरांत गुजरात सरकार द्वारा राजकोट PDU हॉस्पिटल खाते रुपया 120 करोड़ ना खर्चे निर्मित मटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल ना लोकार्पण सहित रुपया 1460 करोड़ ना खर्चे सूरत सिविल हॉस्पिटल खाते OPD IPD बिल्डिंग अने नर्सिंग कॉलेज, वडोदरा खाते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अमदावाद खाते डेंटल कॉलेज अने हॉस्पिटल तथा अखंडानंद आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, आनंदनी जिला हॉस्पिटल, भावनगर खाते मेडिकल कॉलेज हॉस्टल, तेमज राज्य में विविध स्थलों सामूहिक आरोग्य केंद्रों अने प्राथमिक आरोग्य केंद्रों थई रहूं छे खातमुहूर्त। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना हेठळ 1 करोड़ घर ने ऊर्जा क्षेत्र आत्मनिर्भर करवानी नेम माननीय प्रधानमंत्री श्रीए आपेल छे। तेज मजबूत इरादा साथे गुजरात सरकार द्वारा रुपया 560 करोड़ ना खर्चे निर्मित 2 सोलर PV पार्क अने 14 सबस्टेशन नु थई रहू छे लोकार्पण। धोळावीरा ने आंतरराष्ट्रीय प्रवासन स्थल तरीके विकसाववा रुपया 70 करोड़ ना खर्चे थई रहू छे अद्यतन सुविधाओं नु खातमुहूर्त। गुजरात सरकार द्वारा रुपया 250 करोड़ ना खर्चे महुआ बाढड़ा नेशनल हाईवे ना अपग्रेडेशन नु थई रहू छे खातमुहूर्त अने सौराष्ट्रना विस्तृत करायेल अन्य मार्गों नु लोकार्पण। जल जीवन मिशन अंतर्गत दरेक घरे पूरता प्रमाण मा शुद्ध पानी मळे ते माटे सुरेंद्रनगर, अमरेली अने भावनगर मा रुपया 300 करोड़ ना पानी पुरवठा ना प्रजालक्षी कामों नु थई रह्यु छे खातमुहूर्त। डबल इंजिन नी सरकार मा भारत सरकार ना विविध मंत्रालयों द्वारा गुजरात ना विकास ने अपाई रही छे तीव्र रफ्तार। भारत सरकार द्वारा कच्छ खाते सोलर पार्क, ट्रांसमिशन नेटवर्क अने रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ना विविध प्रकल्पों माटे रुपया 16,300 करोड़ ना प्रोजेक्टों नु थई रह्यु छे लोकार्पण तथा खातमुहूर्त।
न्यू मुंद्रा थी पानीपत माटेनी रुपया 9000 करोड़ नी पाइपलाइन नु थई रह्यु छे खातमुहूर्त। रुपया 3900 करोड़ ना खर्चे फोर लेनिंग थयेल भावनगर ना बे नेशनल हाईवे नु थई रह्यु छे लोकार्पण अने सिक्स लेनिंग नु खातमुहूर्त। साथे कच्छ ना सॉल्ट जंक्शन पर रुपया 270 करोड़ ना खर्चे तैयार थयेल इंटरचेंज कम रोड ओवरब्रिज नु थई रह्यु छे लोकार्पण। रुपया 2110 करोड़ ना खर्चे राज्य ना विविध जिल्लाओं मा नवी रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन अने डबलिंग ना कार्यों नु थई रह्यु छे लोकार्पण अने खातमुहूर्त। आमाज रोज गुजरात अने देश ने माननीय प्रधानमंत्री श्री ना वरद हस्ते प्राप्त थई छे रुपया 48000 करोड़ थी वधु ना विविध विकास कार्यों नी अनोखी भेट। संकल्पो थी सिद्धि तरफ अग्रेसर गुजरात, विकसित भारत, विकसित गुजरात। राम लल्ला मां ईश्वर ना दर्शन करनारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री दर्दी अने दरिद्र मां पण नारायण ना दर्शन करे छे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, देश की सभी एम्स के लिए और अन्य प्रकल्पों के लिए भी। पिछले एक दशक में भारत के जन जन को मिल रहे अन्न, आवास, अस्पताल, ऊर्जा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा पेयजल, प्रवासन, परिवहन आदि जैसी सुविधाएं विकास की गारंटी का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। और ये सब संभव हुआ है दृढ़ संकल्पों से, यत्न से। मार्ग तप का, मर्म आशा का, अविरत अविराम कल्याण यात्री, ऐसे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को आइए जोरदार तालियों रूपी आदर के साथ आमंत्रित करते हैं अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी मनसुख मांडविया, गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी सी आर पाटिल, मंच पर विराजमान अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, अने राजकोट ना मारा वाला भाइयों ने बहनों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम से देश के अनेक राज्यों से बहुत बड़ी संख्या में अन्य लोग भी जुड़े हैं। कई राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गवर्नर श्री, विधायकगण, सांसदगण, केंद्र के मंत्रीगण, ये सब इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन सभी का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एक समय था जब देश के सारे प्रमुख कार्यक्रम दिल्ली में ही होकर रह जाते थे। मैंने भारत सरकार को दिल्ली से बाहर निकालकर देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया और आज राजकोट पहुंच गए। आज का ये कार्यक्रम भी इसी बात का गवाह है। आज इस एक कार्यक्रम से देश के अनेकों शहरों में विकास कार्यों का,
लोकार्पण का और शिलान्यास होना एक नई परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। कुछ दिन पहले ही मैं जम्मू कश्मीर में था, वहां से मैंने आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, ट्रिपल आईटी डीएम कर्नूल, आईआईएम बोधगया, आईआईएम जम्मू, आईआईएम विशाखापट्टनम और आईआईएस कानपुर के कैंपस का एक साथ जम्मू से लोकार्पण किया था। और अब आज यहां राजकोट से एम्स राजकोट, एम्स रायबरेली, एम्स मंगलगिरी, एम्स भटिंडा और एम्स कल्याणी का लोकार्पण हुआ है। 5 एम्स, विकसित होता भारत ऐसे ही तेज गति से काम कर रहा है, काम पूरे कर रहा है। साथियों, आज मैं राजकोट आया हूं तो बहुत कुछ पुराना भी याद आ रहा है। मेरे जीवन का कल एक विशेष दिन था। मेरी चुनावी यात्रा की शुरुआत में राजकोट की बड़ी भूमिका है। 22 साल पहले 24 फरवरी को ही राजकोट ने मुझे पहली बार आशीर्वाद दिया था, अपना एमएलए चुना था। और आज 25 फरवरी के दिन मैंने पहली बार राजकोट के विधायक के तौर पर गांधीनगर विधानसभा में शपथ ली थी, जिंदगी में पहली बार। आपने तब मुझे अपने प्यार, अपने विश्वास का कर्जदार बना दिया था। लेकिन आज 22 साल बाद मैं राजकोट के एक एक परिजन को गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैंने आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। आज पूरा देश इतना प्यार दे रहा है, इतने आशीर्वाद दे रहा है, तो इसके यश का हकदार ये राजकोट भी है। आज जब पूरा देश तीसरी बार एनडीए सरकार को आशीर्वाद दे रहा है, आज जब पूरा देश अब की बार 400 पार का विश्वास 400 पार का विश्वास कर रहा है, तब मैं पुनः राजकोट के एक एक परिजन को सिर झुकाकर नमन करता हूं। मैं देख रहा हूं पीढ़ियां बदल गई हैं,
लेकिन मोदी के लिए स्नेह हर आयु सीमा से परे है। ये जो आपका कर्ज है इसको मैं ब्याज के साथ विकास करके चुकाने का प्रयास करता हूं। साथियों, मैं आप सबकी भी क्षमा चाहता हूं और सभी अलग अलग राज्यों में माननीय मुख्यमंत्री और वहां के जो नागरिक बैठे हैं, मैं उन सबकी क्षमा मांगता हूं क्योंकि मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया, आपको इंतजार करना पड़ा। लेकिन इसके पीछे कारण यह था कि आज मैं सुबह द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करके उन्हें प्रणाम करके राजकोट आया हूं। द्वारका को बेट द्वारका से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण भी मैंने किया है। द्वारका की इस सेवा के साथ साथ ही आज मुझे एक अद्भुत आध्यात्मिक साधना का लाभ भी मिला है। प्राचीन द्वारका, जिसके बारे में कहते हैं कि उसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, आज वो समंदर में डूब गई है। आज मेरा सौभाग्य था कि मैं समुद्र के भीतर जाकर बहुत गहराई में चला गया और भीतर जाकर मुझे उस समुद्र में डूब चुकी श्री कृष्ण वाली द्वारिका, उसके दर्शन करने का और जो अवशेष हैं उसे स्पर्श करके जीवन को धन्य बनाने का, पूजन करने का वहां कुछ पल प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे मन में लंबे अरसे से ये इच्छा थी कि भगवान कृष्ण की बसाई उस द्वारिका, भले पानी के भीतर रही हो, कभी न कभी जाऊंगा, मत्था टेकूंगा। और वो सौभाग्य आज मुझे मिला। प्राचीन ग्रंथों में द्वारका के बारे में पढ़ना, पुरातत्वविदों की खोजों को जानना, ये हमें आश्चर्य से भर देता है। आज समंदर के भीतर जाकर मैंने उसी दृश्य को अपनी आंखों से देखा, उस पवित्र भूमि को स्पर्श किया। मैंने पूजन के साथ ही वहां मोर पंख को भी अर्पित किया। उस अनुभव ने मुझे कितना भाव विभोर किया है, ये शब्दों में बताना मेरे लिए मुश्किल है। समंदर के गहरे पानी में मैं यही सोच रहा था कि हमारे भारत का वैभव, उसके विकास का स्तर कितना ऊंचा रहा है। मैं समुद्र से जब बाहर निकला तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ साथ मैं द्वारिका की प्रेरणा भी
अपने साथ लेके आया हूं। विकास और विरासत के मेरे संकल्पों को आज एक नई ताकत मिली है, नई ऊर्जा मिली है। विकसित भारत मेरे लक्ष्य से आज दैवीय विश्वास उसके साथ जुड़ गया है। साथियों, आज भी यहां 48,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स आपको और पूरे देश को मिले हैं। आज न्यू मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। इससे गुजरात से कच्चा तेल सीधे हरियाणा की रिफाइनरी तक पाइप से पहुंचेगा। आज राजकोट सहित पूरे सौराष्ट्र को रोड, उसके ब्रिजेज, रेल लाइन के दोहरीकरण, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित अनेक सुविधाएं भी मिली है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अब एम्स भी राजकोट को समर्पित है और इसके लिए राजकोट को, पूरे सौराष्ट्र को, पूरे गुजरात को बहुत बहुत बधाई। और देश में जिन जिन स्थानों पर आज एम्स समर्पित हो रहा है, वहां के भी सब नागरिक भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज का दिन सिर्फ राजकोट और गुजरात के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भी ऐतिहासिक है। दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था का हेल्थ सेक्टर कैसा होना चाहिए, विकसित भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर कैसा होगा, इसकी एक झलक आज हम राजकोट में देख रहे हैं। आजादी के 50 सालों तक देश में सिर्फ एक एम्स था और वो भी दिल्ली में। आजादी के 7 दशकों में सिर्फ 7 एम्स को मंजूरी दी गई, लेकिन वो भी कभी पूरे नहीं बन पाए। और आज देखिए, बीते सिर्फ 10 दिन में, 10 दिन के भीतर भीतर 7 नए एम्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। इसलिए ही मैं कहता हूं कि जो 6-7 दशकों में नहीं हुआ, उससे कई गुना तेजी से हम देश का विकास करके देश की जनता के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आज 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 200 से अधिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेडिकल कॉलेज हैं, बड़े अस्पतालों के सैटेलाइट सेंटर हैं, गंभीर बीमारियों के लिए इलाज से जुड़े बड़े अस्पताल हैं। साथियों, आज देश कह रहा है, देश कह रहा है, मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी की गारंटी पर यह अटूट भरोसा क्यों है, इसका जवाब भी एम्स में मिलेगा। मैंने राजकोट को गुजरात के पहले एम्स की गारंटी दी थी।
तीन साल पहले शिलान्यास किया और आज लोकार्पण किया। आपके सेवक ने गारंटी पूरी की। मैंने पंजाब को अपने एम्स की गारंटी दी थी, बठिंडा एम्स का शिलान्यास भी मैंने किया था और आज लोकार्पण भी मैं ही कर रहा हूं। आपके सेवक ने गारंटी पूरी की। मैंने यूपी के रायबरेली को एम्स की गारंटी दी थी, कांग्रेस के शाही परिवार ने रायबरेली में सिर्फ राजनीति की, काम मोदी ने किया। मैंने रायबरेली एम्स का 5 साल पहले शिलान्यास किया और आज लोकार्पण किया। आपके सेवक ने गारंटी पूरी की। मैंने पश्चिम बंगाल को पहले एम्स की गारंटी दी थी, आज कल्याणी एम्स का लोकार्पण भी हुआ। आपके सेवक ने गारंटी पूरी कर दी। मैंने आंध्र प्रदेश को पहले एम्स की गारंटी दी थी, आज मंगलगिरी एम्स का लोकार्पण हुआ। आपके सेवक ने वो गारंटी भी पूरी कर दी। मैंने हरियाणा के रेवाड़ी को एम्स की गारंटी दी थी, कुछ दिन पहले ही 16 फरवरी को उसकी आधारशिला रखी गई है। यानी आपके सेवक ने ये गारंटी भी पूरी की। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने 10 नए एम्स देश के अलग अलग राज्यों में स्वीकृत किए हैं। कभी राज्यों के लोग केंद्र सरकार से एम्स की मांग करते करते थक जाते थे, आज एक के बाद एक देश में एम्स जैसे आधुनिक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। तभी तो देश कहता है, जब जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, मोदी की गारंटी वहीं से शुरू हो जाती है। साथियों, भारत ने कोरोना को कैसे हराया, इसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में होती है। हम ये इसलिए कर पाए क्योंकि बीते 10 वर्षों में भारत का हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह से बदल गया है। बीते दशक में एम्स, मेडिकल कॉलेज और क्रिटिकल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। हमने छोटी छोटी बीमारियों के लिए गांव गांव में 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए हैं, 1.5 लाख से ज्यादा। 10 साल पहले देश में करीब करीब 380-390 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज है। 10 साल पहले MBBS की सीटें लगभग 50,000 थी, आज 1 लाख से अधिक है। 10 साल पहले मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएट सीटें करीब 30,000 थी, आज 70,000 से अधिक है। आने वाले कुछ वर्षों में भारत में जितना युवा डॉक्टर बनने जा रहे हैं, उतने आजादी के बाद 70 साल में भी नहीं बने। आज देश में 64,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चल रहा है। आज भी यहां अनेक मेडिकल कॉलेज, टीबी के इलाज से जुड़े अस्पताल और रिसर्च सेंटर,
पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर, क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज ईएसआईसी के दर्जन अस्पताल भी राज्यों को मिले हैं। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता बीमारी से बचाव और बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाने की भी है। हमने पोषण पर बल दिया है, योग, आयुष और स्वच्छता पर बल दिया है ताकि बीमारी से बचाव हो। हमने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति और आधुनिक चिकित्सा दोनों को बढ़ावा दिया है। आज ही महाराष्ट्र और हरियाणा में योग और नेचुरोपैथी से जुड़े दो बड़े अस्पताल और रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है। यहां गुजरात में ही पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से जुड़ा WHO का वैश्विक सेंटर भी बन रहा है। साथियों, हमारी सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि गरीब हो या मध्यम वर्ग, उसको बेहतर इलाज भी मिले और उसकी बचत भी हो। आयुष्मान भारत योजना की वजह से गरीबों के 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। जन औषधि केंद्रों में 80% डिस्काउंट पर दवा मिलने से गरीबों और मध्यम वर्ग के 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। यानी सरकार ने जीवन तो बचाया, इतना बोझ भी गरीब और मिडिल क्लास पर पड़ने से बचाया है। उज्ज्वला योजना से भी गरीब परिवारों को 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो चुकी है। हमारी सरकार ने जो डेटा सस्ता किया है, उसकी वजह से हर मोबाइल इस्तेमाल करने वाले के करीब करीब 4,000 रुपये हर महीने बच रहे हैं। टैक्स से जुड़े जो रिफॉर्म्स हुए हैं, उसके कारण भी टैक्स पेयर को लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। साथियों, अब हमारी सरकार एक और ऐसी योजना लेकर आई है जिससे आने वाले वर्षों में अनेक परिवारों की बचत और बढ़ेगी। हम बिजली का बिल जीरो करने में जुटे हैं और बिजली से परिवारों को कमाई का भी इंतजाम कर रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हम देश के लोगों की बचत भी कराएंगे और कमाई भी कराएंगे। इस योजना से जुड़ने वाले लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी और बाकी बिजली सरकार खरीदेगी, आपको पैसे देगी। साथियों, एक तरफ हम हर परिवार को सौर ऊर्जा का उत्पादक बना रहे हैं, तो वहीं सूर्य और पवन ऊर्जा के बड़े प्लांट भी लगा रहे हैं। आज ही कच्छ में 2 बड़े सोलर प्रोजेक्ट और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। इससे रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में गुजरात की क्षमता का और विस्तार होगा। साथियों, हमारा राजकोट उद्यमियों का, श्रमिकों, कारीगरों का शहर है। ये वो साथी है जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इनमें से अनेक साथी हैं जिन्हें पहली बार मोदी ने पूछा है, मोदी ने पूजा है। हमारे विश्वकर्मा साथियों के लिए देश के इतिहास में पहली बार एक राष्ट्रव्यापी योजना बनी है। 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना से
अभी तक लाखों लोग जुड़ चुके हैं। इसके तहत उन्हें अपने हुनर को निखारने और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। इस योजना की मदद से गुजरात में 20,000 से ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। इनमें से प्रत्येक विश्वकर्मा लाभार्थी को 15,000 रुपये तक की मदद भी मिल चुकी है। साथियों, आप तो जानते हैं हमारे राजकोट में अपना त्या सोनियों काम कितलू मोटू। राजकोट में आ विश्वकर्मा योजना नो लाभ थे हमने। साथियों, हमारे लाखों रेडी ठेले वाले साथियों के लिए पहली बार पीएम स्वनिधि योजना बनी है। अभी तक इस योजना के तहत लगभग 10,000 करोड़ रुपए की मदद इन साथियों को दी जा चुकी है। यहां गुजरात में भी रेडी पटरी ठेले वाले भाइयों को करीब 800 करोड़ रुपए की मदद मिली है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन रेहड़ी पटरी वालों को पहले दुत्कार दिया जाता था, उन्हें भाजपा किस तरह सम्मानित कर रही है। यहां राजकोट में भी पीएम स्वनिधि योजना के तहत 30,000 से ज्यादा लोन दिए गए हैं। साथियों, जब हमारे ये साथी सशक्त होते हैं तो विकसित भारत का मिशन सशक्त होता है। जब मोदी भारत को तीसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बनाने की गारंटी देता है तो उसका लक्ष्य ही सबका आरोग्य और सबकी समृद्धि है। आज ये जो प्रोजेक्ट देश को मिले हैं, ये हमारे संकल्प को पूरा करेंगे। इसी कामना के साथ आपने जो भव्य स्वागत किया एयरपोर्ट से यहां तक आने पूरे रास्ते पर, और यहां भी बीच में आकर के आपके दर्शन करने का अवसर मिला, पुराने कई साथियों के चेहरे आज बहुत सालों के बाद देखे, सबको नमस्ते किया, प्रणाम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बीजेपी के राजकोट के साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करने के लिए, और फिर एक बार इन सारे विकास कामों के लिए और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम सब मिलजुल करके आगे बढ़े। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपके इन आशीर्वचनों के लिए, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए, और जन जन की स्वास्थ्य सुविधा के लिए, और साथ ही आधुनिक एम्स और अन्य विकास प्रकल्पों की भेंट देने के लिए। स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान, सुविधा और समृद्धि की आज गारंटी फिर से जन जन को मिली है। यहाँ पर पधारकर इन विकास प्रकल्पों की भेंट देने के लिए फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे।